स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल वाला मोशन कल अपन ने स्टार्ट कर लिया था, है ना। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको आइडिया है कि व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है, प्रोजेक्टाइल कोई खास ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, प्रोजेक्टाइल एक नाम है जो दिया जाता है एक ऐसी बॉडी को जिस बॉडी को आप एक एंगल एक वेलोसिटी देकर के फेंक देते हो और किसकी भरोसे छोड़ देते हो, ग्रेविटी के भरोसे छोड़ देते हो कि अब जो भी होगा देखा ग्रेविटी देखेगी, ठीक है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कल अपन ने प्रोजेक्टाइल दिया था बट यहाँ पे जो हड़ी लिखी हुई थी वो चेन्स थी, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एट सम हाइट, ऐसा कुछ लिखा था, है ना। और ऐसी कोई बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर हमने इमेजिन किया था ना एक वो हल्का बच्चा था, वो फुटबॉल को किक कर रहा था, है ना। इनिशियल वेलोसिटी यू आई थी, वो चाह तो रहा था कि बोल आगे चला जाए बट ये चली रहे बट गई नहीं, यहाँ पे आकर कैसे गिर गई थी, है ना। फिर अपन ने क्या क्या किया था, डायग्राम बनाना आपको सिखाया था। ये जो डिस्टेंस है दिस वॉज रेंज, हाइट को एच कहा था, है ना। ये हमारे लिए इनिशियल पोजिशन थी, ओरिजिन माना था इसको, है ना। और ये हमारे लिए फाइनल पोजिशन थी, डेस्टिनेशन थी ये, और बीच में कोई भी एक जनरल पोजीशन मानी थी अपन ने पी। पॉइंट से दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको, और उस पी जनरल पॉइंट को हमने डिनोट किया था एक्स कॉमा वाई से, जिसके अंदर ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स था और ये डिस्टेंस हमारे पास वाई था, और इसकी एट एनी टाइम वेलोसिटी थी बी। उसके दो टुकड़े किए थे अपन ने, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वॉज बी एक्स, वर्टिकल वॉज बी वाई, और यहाँ पे जो एंगल बना था उस एंगल को हमने लिखा था बीटा, और बाद में एंगल लिखा था, पहले एंगल नहीं लिखा था। ये भी आपको बताया था कि पहले एंगल लिखते हैं तो हमारा दिमाग कैसे वर्क करना स्टार्ट कर देता है कि अगर ये वी है ये बीटा है तो ये वी कोस बीटा और ये वी साइन बीटा, पर हमें बीटा भी नहीं पता वी भी नहीं पता, तो हमने वी एक्स और वी वाई निकाला था। वी एक्स याद है क्या था, वी एक्स था यू और वी वाई क्या था जी जी, है ना। एक्सेलरेशन लास्ट टाइम हेल्प कर रहा था, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो नीचे गिरने में हेल्प कौन कर रहा है, एक्सेलरेशन खींच रहा उसको ना। एक्सेलरेशन कहां लिखता है, नीचे, बॉडी दिखा रही है नीचे, यानी एक्सेलरेशन और बॉडी दोनों का मोशन एक जैसा है। कल वाला काम ये था, और क्या क्या किया था आपने, सबसे पहले आपने पहले तो इसके बारे में कुछ कंसिडरेशन लिखी थी फॉर्मेलिटीज, फिर सबसे इक्वेशन ऑफ पाथ से भी पहले एक चीज और करी थी आपने, इसके मोशन को दो मोशन में डिवाइड किया था, ये लिखा था, है ना, कि द मोशन ऑफ दिस बॉडी कैन बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्टिकल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये था। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर तोड़ने के बाद में फिर आपका काम शुरू हुआ था, आपने छोटे छोटे से टारगेट बनाए थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली थी एंड समथिंग वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा था जिसको आपने पैराबोला कहा था, और फिर उसके बाद में क्या निकाला, टाइम ऑफ लाइट कैपिटल टी निकाला था, फिर उसके बाद में आपने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी कैपिटल आर निकाला था, फिर आपने वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाली थी जिसके लिए पहले वी एक्स फिर वी वाई फिर उसके बाद वी वेक्टर फिर उसके बाद वी का मैग्नीट्यूड फिर उसके बाद वी का, ये सारा एक टॉपिक में निकाला था। और उसके बाद घर चले गए या कुछ और था, हाइट भी निकाली थी, चलो ठीक है इतना किया था, आज चेंज करते हैं, ये कल तक की बात होगी। ये डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि ये दिमाग में होगा तो आपको आज वाले टॉपिक में कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, पहले तो इसका डायग्राम समझो। अब अपन ये किस तरह का इमेजिन कर रहे हैं, डायग्राम बनाते हो साथ साथ में, ये हमारे पास फ्लोर हो गए, ठीक है, हमारे पास ये फ्लोर है, साथ साथ में डायग्राम बनाते रहो, ठीक है, रफली बना लो, भले बनाते रहो उसका डायग्राम कैसे बन रहा है। हमारे पास फ्लोर है और आपको बताया है कि टॉपिक को क्रिएटिव कैसे करना है, आपके हाथ में टॉपिक को बोरिंग कैसे बनाना है, टॉपिक को क्रिएटिव कैसे करना है। एक बॉडी को चाल करके फेंकना है, उसके साथ एक कहानी एसोसिएट कर लो, कोई बॉडी अपनी मनपसंद चाल के फेंक दो, जिस पर तुम्हें गुस्सा रखा उसको किक कर दो, मेरे तरफ क्या देखा, मेरे को नहीं कहना गोल सी बॉडी है, मैं फिट नहीं हूँ और पाप लगेगा तुम्हें। एक कोई बॉडी है, एक कोई बॉल है, उस बॉल को हम इमेजिन करते हैं कि वो बॉल यहाँ पे है,
ठीक है, उसको एक वेलोसिटी देनी है और किसी एंगल पे देनी है, एट सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। पहले इसको समझो कि इसको हम कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देकर के छोड़ दें तो क्या होगा, आप किसी बॉडी को किक करो तो कैसे होगा या उसका मोशन किस तरह का होगा, वो बॉडी ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी, कॉमन सी बात है ना, वेलोसिटी की वजह से आपके मोशन की वजह से ऊपर जाएगी। बट अब आपने तो साथ छोड़ दिया, ग्रेविटी के हिसाब से चल रही है तो ग्रेविटी तो नीचे भी लेके आएगी, तो बॉडी ऊपर जाएगी जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी और नीचे आना स्टार्ट कर देगी और एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाकर के पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है, चलो बनाते हैं इसको। तो आपने यहाँ पे बना लिया, कोई भी एक स्टोरी एसोसिएट कर लो इसके साथ में, आपके टॉपिक में इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। अब आप समझो कि लास्ट टाइम से यहाँ पे क्या क्या फर्क आने वाले हैं। पिछली कहानी इसलिए सुनाएगी, तुम्हें कर चुके अपने काम, वो कहानी इसलिए सुनाएगी ताकि आप ये भी देखते रहो कि इसमें उसमें क्या फर्क है। वहां पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी थी, वर्टिकल में एक्सेलरेशन था। यहां पे हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल में भी होगी, क्योंकि ये ऑब्लिक है तो इसके दो हिस्से किए जा सकते हैं, तो इसमें वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, पर एक्सेलरेशन सिर्फ कहां पे होगा, वर्टिकल। एक्सेलरेशन तो सिर्फ ग्रेविटी वाला है ना, और कोई फोर्स उस पर लगनी थी। ठीक है, तो इसमें फर्क आएगा, इसको आप डिवाइड कर दो, एक टोटल लाइन बना दो वर्टिकल प्लेन के लिए और एक टोटल लाइन बना दो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, और अगर होरिजन के साथ एंगल बना है थीटा तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, सुनते रहो और करते रहो। ये एक कंपोनेंट कर दिया विच वी कैन नेम एज यू एक्स, और एक ही दूसरा कंपोनेंट कर दिया विच वी कैन नेम एज यू वाई। और देखो यू नोन है या अननोन है, यू जो है वो तो नोन वैल्यू होगी ना, और थीटा भी नोन में ही आएगा, तो इसका मतलब यू एक्स को मैं यू कोस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आज लिख सकता हूं, कल नहीं लिख पा रहा था वी एक्स को वी कोस बीटा या वी साइन थीटा, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, इसको आप ये भी लिख सकते हो, इट विल बी यू कोस ऑफ बीटा एंड दिस विल बी यू साइन थीटा, बीटा नहीं सॉरी थीटा, यू कोस ऑफ थीटा एंड यू साइन ऑफ। अब इस वेलोसिटी की वजह से ये गोल ऊपर उड़ी उड़ी जाए, यस सर, और फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए वेलोसिटी। जितना बड़ा डायग्राम बनाओगे उतना बढ़िया बन जाएगा आपका अपना कल्ला कल्ला सा। एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट पॉइंट, और सपोज उसके लिए आपने हाइट इमेजिन कर ली कितनी है h, और एक स्पेशल पॉइंट दिया जाएगा, हो सकता है कैमरा की रिकॉर्डिंग में आ रहा हो सकता है नहीं आ रहा तो फिर बात नहीं, लास्ट में बोल बना लेना, बोल गिरेगी तो सही, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और क्या क्या बनाना होता है, फाइनल और इनिशियल के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको आप मार्क कर दोगे आर से, एंड दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, यहां पे ये जो एच है और वहां जो एच था, वहां पे एच कॉन्स्टेंट था, आप उसी बिल्डिंग पे खड़े होकर के एक छोटी बॉल फेंक दो, एक बड़ी बॉल फेंक दो, या एक पर्सन पहले किक कर रहा है फिर दूसरा पर्सन किक कर रहा है, तो एच तो सेम हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग सेम है। यहां पे अगर आपने वेलोसिटी चेंज करी, आपने एंगल चेंज करा, तो ये एच चेंज होने वाला है, ये चीज समझ सकते हो ना, वहां पे एच कॉन्स्टेंट था, यहां पे एच वेरिएबल है, वहां पे एच नोन था, यहां पे एच अननोन है, इसको निकालने के लिए काम करेंगे इस बार। ठीक है, लास्ट टाइम एच को नहीं निकाला, इस बार एच का फॉर्मूला भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना चाहेंगे कि बॉडी कितना ऊपर जाती है। अच्छा, लास्ट टाइम और इस टाइम में क्या फर्क है, एक जनरल पॉइंट लिया था आपने, जो स्पेशल केसेस है उसके अलावा, स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग जर्नी है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी, एंडिंग पॉइंट ऑफ जर्नी एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी, ये तो स्पेशल केसेस हो गए। इसके अलावा जनरल पॉइंट्स कहां लिए जा सकते हैं, इस पूरे रास्ते पे या इस पूरे रास्ते पे, कहीं पर भी जहां आपका मन करे वहां पे आप एक जनरल पॉइंट ले लो, लाइक मैं यहां कंसिडर कर लेता हूं, लेट दिस पॉइंट बी पी
सेम डिटो एक्स कॉमा वाई मान लो इसको, और अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो देखो ये तो आपका ओरिजिन की तरह काम करता है, तो ये डिस्टेंस इसके रेफरेंस में ये जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस विल बी एक्स एंड दिस हाइट वाई, दिस हाइट विल बी वाई। और देखो डायग्राम फटाफट भी बनाया जा सकता है, बुक में से भी बनवाया जा सकता है, यहां पे डिस्कस करने का ये मतलब है डायग्राम बच्चा भूल जाता है कि कैसे कैसे बनाना था, तो याद रखना है अपन स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ना। अब इस पी पे एक चीज और बनानी होती है ना, क्या बनाते होते हैं इसकी वेलोसिटी, और कैसे बनाते होते हैं टेंजेंशियली, तो इसकी जनरल वेलोसिटी को मैंने लिख दिया वी। अब इस पॉइंट पर भी अपन क्या बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उन दोनों लाइंस के अलोंग दो वेलोसिटीज के टुकड़े कर देंगे, कर देते हैं लो, एक टुकड़ा ये कर दिया, इस एक्स को मोबाइल को इधर लिख दो, एक हिस्सा इधर लिख दो, तो वी वाई। और अगर ये एंगल इस बारी बी अपन कर देते हैं बीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ में इसका नाम रख देते हैं बीटा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? डायग्राम इज द की इन फिजिक्स, डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल्स, डायग्राम पे आपके कमांड आ गई, इमेजिनेशन पे आपके कमांड आ गई, तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप मल्टीपल कलर रखा करो ताकि अच्छे से आपको डायग्राम दिखता रहे, इंटरेस्ट जनरेट होता रहे, क्योंकि ये सारी चीजें अपन इमेजिन कर रहे हैं, करने को ये चीज तो कर सकते हैं ऐसे, पर बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, जैसे एटम की स्टडी आ रही है, न्यूक्लियस की स्टडी आ रही है, आपको सब न्यूक्लियस के अंदर हाथ डाल के देखना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे देख सकते, नहीं देख सकते ना। और सारी बातें यहाँ पे अपने फ्रिक्शनल सरफेस पे करते हैं, एयर रेजिस्टेंस के बिना करते हैं, असल जनरेटर की तो बात करते नहीं है यहाँ पे, तो फिर वो कहां से दिखा सकते हैं, नहीं दिखाई जा सकती ना। तो इसलिए इमेजिनेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डायग्राम आपने बना लिया, आपका मतलब 50% काम एक तरह से समझो हो गया, अब हमें थ्योरेटिकल काम करना है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो, लेट अस कंसीडर, ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज बीइंग प्रोजेक्टेड, लेट अस कंसीडर ऐसा मानते हैं कि अ बॉडी इज बीइंग प्रोजेक्टेड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू at an angle theta, with some initial velocity u at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal, horizontal के साथ theta angle पर एक body को फेंक दिया गया है, as shown in figure, bracket में लिख लो, as shown in figure, ठीक है, theta angle। और ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखो द मोशन ऑफ दिस बॉडी, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो द मोशन ऑफ दिस बॉडी उसी तरीके से, जिस सिस्टमेटिक तरीके से कल किया था आज भी उसी तरीके से करेंगे, द मोशन ऑफ दिस बॉडी कैन बी रिगार्डेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ, द मोशन ऑफ दिस बॉडी कैन बी रिगार्डेड एज, can be regarded as the combination of two independent motions, combination of two independent motions, कौन कौन से independent motions है, number one horizontal motion, bracket में लिख सकते हो With constant velocity। देखो कल किस तरह की लैंग्वेज मैंने लिखवाई थी मुझे याद नहीं है, उस तरह की लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख लेना उसको देख करके, मीनिंग सेम रहेगा, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू एक्स विच इज यू कोस ऑफ थीटा,
ठीक है, एंड नो एक्सेलरेशन। अगर आप लिखना चाहो तो ये चीज यहां पे ऐड कर लेना, एंड नो एक्सेलरेशन, और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। कोई भी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल के अंदर नहीं मिलने वाला। और दूसरा कौन सा मोशन आएगा? वर्टिकल मोशन, ऑब्वियसली बात है। वर्टिकल मोशन के अंदर अब इस बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या? नहीं। अब यहां पे अपन क्या लिखेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, विद इनिशियल वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कितनी है वो यू साइन ऑफ थीटा, एंड जो एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी। इस चीज को समझो, यहां पे एक्सेलरेशन माइनस जी आएगा। क्यों? क्योंकि आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो और एक्सेलरेशन बॉडी को नीचे लेकर कह रहा है, तो आपका जो एफर्ट है और ग्रेविटी का जो एफर्ट है वो उल्टा है ना। आप तो बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो पर वो बॉडी को नीचे लेकर कह रहा है, तो एक्सेलरेशन आपके लिए किसका काम कर रहा है? रिटार्डेशन का, है ना। अगर एक्सेलरेशन यहां पे प्लस जी हो, सपोज करो कि अर्थ दूर फेंकना स्टार्ट कर देती चीजों को, तो अगर आप एसिड बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो वो नीचे नहीं लेकर के आता, वो और बाहर फेंक देता, बट ऐसा नहीं होता। फिर तो हम सबको फेंक देती है, है ना, एकदम जैसे शूट करती, जैसे स्नीज किया अर्थ ने और सारे लोग बाहर फेंक देते। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी ये और एक्सेलरेशन जीरो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी ये और एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी। अब अपन कल की तरह छोटे छोटे टॉपिक बनाएंगे और करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक बनाएंगे? इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखा था पहला अपन ने, है ना। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। डेफिनेशन आपको मैं ट्रेजेक्टरी की लिखवा चुका हूं, तो एग्जाम में जब भी ये आए तो जब आप टॉपिक लिख रहे हो तो डेफिनेशन लिखने के बाद लिख देना। ट्रेजेक्टरी क्या था? इट ट्रैवर्स द, या चलो लिख लो, दोबारा लिखा देता हूं, इट रेफर्स टू द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। इट रेफर्स टू द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करेगा उसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी। और मैंने आपको यहां पे लिखवाया भी था शॉर्ट में कि ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है, रिलेशन निकालना बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। जिंदगी भर के लिए याद रखना इस चीज को कि ट्रेजेक्टरी निकालने का मतलब क्या होता है। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है रिलेशन निकालना आपको, किसमें? एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में। जिस दिन आप 3D में डील करना स्टार्ट कर दोगे तो एक्स वाई और जेड ये होती है ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब निकालना स्टार्ट करते हैं। कैसे किया था याद है? यहां पे आप इक्वेशन यूज कर रहे थे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो लिखते हैं कल से और थोड़ा बेटर करते हैं, लिखो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी स्पीड भी रखते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा काम है। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। इसके बाद दो पार्ट्स कर लो, लिख लो इन x एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल और इन वर्टिकल या फिर इन y एक्सिस, क्योंकि हमको सूट करता है। तो x एक्सिस में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? u की जगह आप लिखोगे यू एक्स, a की जगह आप लिखोगे जीरो, है ना। और यहां पे u की जगह आप लिखोगे यू वाई जो कि है u साइन ऑफ थीटा, है ना। यहां पे लिख लिया u कोस ऑफ थीटा, कैसे लिख लिया ना। और यहां पे आप एक्सेलरेशन को लिखोगे, ठीक है, ये बात है, ब्रैकेट में लिख लो। देयरफॉर बनेगा क्या? और अच्छा, एस को आप क्या लिख दोगे? वन मोर चेंज, अगर कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो नीचे ही कर देना। मैं कर सकता हूं क्योंकि तो मैं कर रहा हूं। एस को मैं एक्स लिखूंगा यहां पे, और यहां पे एस को क्या लिखूंगा? वाई। वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट वाई से दिखा रहे, एक्स एक्सिस में होने वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स से दिखा रहे। तो ये हुआ एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर। यहां पे क्या बनेगा? वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ माइनस का जी टी स्क्वायर।
अगर टाइम कम हो तो देखो आपको पता ना कि यहाँ पे पहले भी यूएक्स से रिप्लेस किया है और ये टर्म जानबूझ के लिखी हुई है, आपके पास एग्जाम में टाइम कम हो तो आप जल्दी से इसको इग्नोर करके डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, यू कोस थीटा इनटू डी। तो आपके पास बना एक्स इज इक्वल्स टू यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। और याद है लास्ट टाइम इस इक्वेशन को कैसे यूज किया था, इसमें से टी की वैल्यू निकाली थी उसके अंदर रखी थी, क्योंकि यहाँ पे वाई इन द टर्म ऑफ टी दिखेगा, टी हटा के अगर एक्स की शक्ल डाल दोगे तो आपके पास एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा। तो पहले से तैयार कर लेते हैं इसको तो कल का फायदा मिलेगा अपने को। तो x अपॉन u cos थीटा बन गया। क्यों कर रहे हैं हर एक स्टेप अगर आपको पता है तो याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये लंबी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद करने जाते हैं और जो बच्चे क्रैम नहीं कर सकते वो फंस जाते हैं। y इज इक्वल टू आ गया u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। This is equation number 2. अब आप लिखोगे using equation 1 in equation 2. Simple. Equation 1 का use equation 2 में अगर कर लिया जाए तो हमारे पास ये बनेगा y is equals to u sine of theta multiplied by this vector. क्या है, ऊपर x है नीचे u cos theta है, U से U कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, मैथ्स है वैसे इसमें और कुछ नहीं बचा, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, जी का जी, टी की जगह एक्स अपॉन यू कोस थीटा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। लिख रहे हो ना साथ साथ में, लिखते हो उसको। इस टॉपिक की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो है वाई इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस वन बाय टू इंटू जी इंटू, देखो ये क्या बचा, वन अपॉन यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, हर किसी को अलग अलग लिख दिया। अब इसके अंदर से पहले टर्म में देखो टैन थीटा कॉन्स्टेंट चाहिए, क्योंकि थीटा कॉन्स्टेंट है तो टैन थीटा भी कॉन्स्टेंट है, यहां पे हाफ कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, यू भी नॉन है कॉन्स्टेंट है, थीटा भी कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा ग्रुप कॉन्स्टेंट बन गया। तो यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं आपको, एक ही कॉन्स्टेंट एक ही कॉन्स्टेंट, इन दोनों को आप किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, लाइक आप इसको लिख दो इसको के लिख दो और या के वन लिख दो इसको के टू लिख दो इस पूरे ग्रुप को, तो आप इसको लिख दो के वन एक्स माइनस के टू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। और फिर आप लिखोगे वेयर के वन एंड के टू दीज आर कांस्टेंट्स। और इक्वेशन 3 कल भी मैंने आपको बात बताई थी कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी दिखे जिसके अंदर दो जो वेरिएबल्स हैं उनमें से एक की पावर 1 हो और एक की 2 हो, चाहे इसकी 1 इसकी 2 हो चाहे इसकी 1 इसकी 2 हो, तो ये इक्वेशन कोरेस्पोंड करती है पैराबोला को। अब पैराबोला को ही क्यों करती है, इसका रीजन मैंने आपको कहा था कि कुछ हद से तो मैंने आपको दिया था, ड्रॉ करके देख सकते हो है ना, मैथ साइंस में कुछ जोड़ तो होता नहीं, और अदरवाइज आपके सिलेबस में है चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन, उस पर मैंने आपको कल इक्वेशन लिख के दिखाई थी y is equal to 4ax या x is equal to 4ay, और इतना जब आ ही रहा है तो घर पे जाके एक बार ये चैप्टर खुद से पढ़ के देख लो, ठीक है, पैराबोला नाम का जो चैप्टर आपके पास यूनिट आपके पास चैप्टर 11 है उसमें शायद पहला एलिप्स होगा 11.3 होगी शायद ये वाली, तो उसको पढ़ के देख लो थोड़ा सा पता लग जाएगा क्या है। अगेन आज भी क्या बन रहा है ये पैराबोला, इसमें जब इसमें माइनस आ रहा है तो वो कुछ नहीं, नहीं माइनस वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, माइनस अगर अपन इस कांस्टेंट में ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ऐसे पढ़ी थी ना ax2 + bx + c,
इक्वल टू जीरो। अब किसी इक्वेशन में अगर ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, तो अपन b को माइनस फोर कह देते हैं बस। इसको कैसा इमेजिन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का फोर इंटू एक्स प्लस जीरो, इसको भी इमेजिन करते हैं ना, है ना, कि a आपके पास वन आ गया, यानी कि इसको अगर तरीके से लिखें तो इसको ऐसा इमेजिन करते हो आप, बट लिखते नहीं हो क्योंकि अपने को प्रैक्टिस होगी है, ये जितने नहीं लिख सकते डायरेक्ट लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, a आ गया, b आ गया, c आ गया, फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x वैल्यू निकाल सकते हैं। सर इसमें सर सीधा x स्क्वायर हो गया, पहले वो k1x भी है सर, जैसे ही ना। अब x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको, इसके अंदर तो x की पावर 2 भी थी और x की पावर 1 भी थी, इसको लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल पैराबोला बनेगा। ये कुछ एक डाउट आ सकते हैं जो आपके आए, लाइक की सर इसमें तो लीनियर वैल्यू भी है और स्क्वायर वैल्यू भी है, तो इसी का डाउट या इसी तरह की बात आपने सीखी हुई है, अगर y के सामने x आए इस तरह से, इसको आप लीनियर क्या बोलते हो, लीनियर इक्वेशन बोलते हो ना, इस तरह का रिलेशन हो तो, और अगर इस तरह का कुछ हो इसको आप क्वाड्रेटिक बोलते हो, क्वाड्रेटिक लीनियर तो नहीं बोलते ना इसको, क्वाड्रेटिक क्योंकि आप हाईएस्ट डिग्री पे फोकस करते हो, डिग्री पे फोकस करते हो, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर हो गया, तो सेम हियर, बिकॉज़ वाई इज अ फंक्शन ऑफ, वाई इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3, ये मैथ्स की बात है ना सारी, तो मैंने आपको मैथ्स के लैंग्वेज में समझा दी है। फ्रॉम इक्वेशन 3 we can see that y is a quadratic function of x, so the trajectory is parabola, the trajectory is आपके पास पहला टारगेट जो था वो अचीव हो गया है, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, चलो करते हैं फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को दिखाने का तरीका है कैपिटल डी। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज द टाइम ऑफ टोटल जर्नी, लिख लेना, इसको मैं नहीं लिख पा रहा। और इसको कैसे निकाला था याद है, इसी इक्वेशन से निकाला था, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना उसी इक्वेशन से निकाला था, उसके अंदर चेंजेस कर दिए थे आपने कि फॉर होल जर्नी आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है लास्ट टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया था h, है ना, और टाइम बन गया था t। आज जो है, आज आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हो जाएगा 0, ये तो टच हो गया ना वर्टिकली, कुछ गया ऊपर वर्टिकली, बढ़ते बढ़ते एच हुआ था, उसके बाद में क्या हो गया, जीरो हो गया। टोटल जर्नी में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल किया है, बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल किया है नहीं, है ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप जीरो कर दो इक्वेशन 2 में ही, और स्मॉल टी को रिप्लेस कर दो कैपिटल टी से। ठीक है, तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 for whole journey, आप क्या करोगे, आप y को put करोगे 0 and small t को replace करोगे capital T से, माने equation 2 भी कह सकते हो उसको, बाकी equation 2 तो आपकी थोड़ी ज्यादा complicated थी, वो थीटा थोटा वाली रखी हुई थी equation, ये लाइन लिखी है क्या आपने फ्रॉम इक्वेशन 2 वाली, अगर तो नहीं लिखी तो इसको अवॉइड करना, लिख ली तो चलो कोई, ठीक है, नहीं लिखी तो आप इसको छोड़ देना, डायरेक्ट लिख लेना फॉर होल जर्नी y इक्वल टू 0 t इक्वल टू t, लिख ली तो काट देना इसको, ओके इतना टाइम बाद में, उसके बाद लिखो y सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रेश भी कर लेते हैं क्योंकि उसमें यूज कर रखा है ना सेकंड इक्वेशन में शायद, तो y is equals to आपका था u sin theta multiplied by t minus half g t square, ये था। अब इसके अंदर आप replace कर दो, कोई बात नहीं, here y की जगह आप लिख दो 0, u sin theta का u sin theta
कैपिटल टी इन द प्लेस ऑफ स्मॉल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, ये आ गया। बाद में रहा है कि वैल्यू तो बाद में पुट करी थी 2 में 1 है ना, कोई बात नहीं, मेरे सामने भी रखी नहीं है ना इक्वेशंस, मैच नहीं करनी पड़ेगी। अब यहां से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की निकालनी है। तो टी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, एक तो टी कॉमन आकर के आप छोड़ दोगे है ना, मैंने कट करके नहीं दिखाना होता, वो कैसे छोड़ते हैं अपन, वो अपन ये बोल के छोड़ते हैं कि देखो अगर टी कॉमन ले लोगे तो टी बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ये बचेगा। हम कहेंगे कि टी तो जीरो हो नहीं सकता तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, ठीक है, टी तो जीरो हो नहीं सकता तो ये फैक्टर जीरो होगा, कौन सा, जीरो इज इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ जी टी। मेरी बात हो सकता है आपको समझ आई हो नहीं आई हो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में आएगा, ठीक है, कि टी एक टी दूसरे टी से कॉमन आकर के यहां पे कट गया, चला जाता है, इज इट ओके, है ना। आप ऐसा कर दो पूरी क्वेश्चन को टी से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कह दो तो जीरो अपॉन टी जीरो डिस अपॉन टी डिस अपॉन टी, यही बचेगा। इसको इधर ले आओ, जो बात मैंने आपको बताई थी वो मैथमेटिकली कुछ अच्छी बात बताई थी वो समझ में आई हो तो बढ़िया, नहीं तो कोई नहीं, नोट कर उसको। तो यहां से कैपिटल टी आपके पास आ गया, टू ऊपर चला रहेगा, टू यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4। ये फॉर्मूले याद करते हैं आप, 2u sin थीटा ये याद करना है, अभी पहला फॉर्मूला है याद करने वाला, 2u sin थीटा बाय जी, ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा इसके बाद क्या निकला, इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी, इसी टाइम को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके बस दोबारा कर लेंगे वही काम। तो नेक्स्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर, हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर, इसकी भी डेफिनेशन है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी ने जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो ये है आर, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो अपन लिखेंगे इसके बाद कैलकुलेशन के लिए, अगेन सेकंड इक्वेशन लग जाएगी बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट में डील करती है ना, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप यहां पे कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप लिखोगे ए एस इज आर, है ना, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू एक्स विच इज यू कोस ऑफ थीटा, है ना, और एक्सेलरेशन कितना आपके पास जीरो, और टी कितना है कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू यही 2u sin थीटा बाय जी। इस तरह से लिख लोगे तो थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा लग सकता है पर आसान हो जाएगा। अब आप इसमें पुट कर दो तो आपके पास आएगा देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू यू कोस ऑफ थीटा, कैपिटल टी एक बार चलो कैपिटल टी रख देता हूं मैं, एक साथ सारा नहीं करते, एक्सेलरेशन दी लो कैपिटल टी का स्क्वायर, ये चला गया कैपिटल टी क्या था 2u sin थीटा बाय जी, ये u cos थीटा और ऐड हो गया इसके साथ में, तो 2u into u u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय जी। और मैथ वाले लोगों को ये फॉर्मूला पता होता है 2 sin थीटा cos थीटा, बड़ा फेमस फॉर्मूला है sin 2 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो r का फॉर्मूला आ गया, ये आया 2 u की जगह सॉरी 2 नहीं u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय, ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है,
this is the horizontal range and this is your equation number 5. देखो वो था u sin theta by t, ये है u square, वो याद रख लो कि 2u by g है मल्टीप्लाई में sin theta है, ये क्या है u square by g है, उल्टा पुल्टा हो गया उसमें, उसमें u के आगे 2 था उसमें ऊपर चला गया है ना, u square by g है और sin में 2 theta, दोनों जगह पे चेंज है, u भी बदल गया और sin theta भी बदल गया, कैसे भी आप याद रखो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करवाना है तो इतना दिमाग लगाने नहीं पड़ेगा, 2u sin थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई, u cos थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा ठीक है। अब क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं, वैसे कल वाले टॉपिक में तो यहां पे करने के बाद अपन ने निकाल दी थी वेलोसिटी के टाइम पॉइंट पे पहुंच गए थे अपने, अभी यहां पे हाइट निकाली जा सकती है या फिर अभी एक और चीज भी निकाली जा सकती है, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होगी ठीक है, इसके अंदर एक स्पेशल केस किया जा सकता है वो करते हैं, तो लिखो स्पेशल केस, लिखो स्पेशल केस, उसके अंदर आप लिखो केस वन, फोर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शायद मैंने पहले ये बात बताई है नहीं बताई तो सुनना, कि जब भी पूरी जिंदगी के अंदर आपके पास कोई भी टर्म के साथ साइन थीटा या कोस थीटा लगा हुआ आ जाए तो उसकी दो वैल्यू हो सकती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, ये बात हुई है अपनी या नहीं, सपोज कहीं पर लिखा हुआ है ए साइन थीटा, तो सपोज ये y की वैल्यू है a sin थीटा, तो y की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है a और मिनिमम से मिनिमम आ सकती है 0, अगर पॉजिटिव डोमेन में बात कर रहे हैं तो, क्योंकि sin थीटा की 0 पे 0 वैल्यू होती है छोटी से छोटी, तो ये 0 इस a को भी खा जाएगा 0 बना देगा, और अगर ये 1 हो गया तो ये 1 a से मल्टीप्लाई होकर के इसको वैसे ही रखेगा, अदरवाइज sin थीटा की वैल्यू कैसे होती है फ्रैक्शनल होती है ना, फ्रैक्शन होती है तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू ए के साथ मल्टीप्लाई होकर के ए को छोटा कर देगी ठीक है, वैसे साइन थीटा अगर आप सभी मैथ्स के तो आपको पता है आप इस तरह से लिखते हो, साइन थीटा का ये होता है ना रेंज माइनस वन से वन तक वैल्यू आती है, बट अपने पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव में क्या लिखेंगे जीरो से, तो दो वैल्यू होती है, तो किसी भी फंक्शन में साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कभी भी दिख जाए तो उसकी दो वैल्यू हमेशा निकल सकती है, तो मिनिमम रेंज अगर आपको चाहिए, मिनिमम रेंज अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, ये वाला जो एंगल है इसके अंदर जो एंगल है माने 2 थीटा वाला एंगल, थीटा नहीं साइन के अंदर जो एंगल है वो कौन सा अभी 2 थीटा, ये एंगल को 0 कर दो यानी 2 थीटा 0 तो थीटा भी 0 ही आएगा, यानी कि कैसे आप किक करो उसको थीटा 45 डिग्री फ्लोर पे किक करो, किसी एंगल पे नहीं डायरेक्टली किक करो, तब तो आपकी रेंज कम से कम होगी ठीक है, उछाल के किक करोगे तो ज्यादा दूर तक जाएगी है ना, इसीलिए क्रिकेटर अगर बहुत दूर तक खड़े होते हैं तो बॉल को ऐसे फेंकते हैं या ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं ना, ऐसे नहीं फेंकते ठीक है सर, इसमें सर क्रिकेटर को 45 होगा तभी होगी बिल्कुल, तो सर के 45 तो होती होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लिखते हैं, लिखो 4 r टू बिकम r मैक्सिमम, जो साइन 2 थीटा है उसको होना पड़ेगा 1 ठीक है, आर को आर मैक्सिमम बनाने के लिए इसको आप समझो, आर को मैक्सिमम रेंज बनाने के लिए साइन थीटा की वैल्यू को आपको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा जो कि होती है 1 के ब्रैकेट में आप लिख लो मैक्सिमम, दिस इंप्लाइज जो 2 थीटा है वो कितना आना चाहिए 90 डिग्री एंड दिस इंप्लाइज थीटा आना चाहिए 45 डिग्री, फ्रॉम इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि आर मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी इन द केस ऑफ थीटा इज 45 डिग्री ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, इसको आप साइड में छोटे से डायग्राम पर दिखा सकते हो कि अगर आपने किसी पॉइंट पर
45 डिग्री एंगल पे वेलोसिटी दी है तो आर विल बी आर मैक्स। एग्जाम्पल बना के लेने की जरूरत नहीं है, ये बनाओ तो बना सकते हो। ये डायग्राम सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए है कि ऐसा अगर आप कर देते हो तो आपका रेंज सबसे दूर तक जाएगा। सर इसमें सर ग्राउंड में कैसे रेंज है? क्या चीज सर आपने कहा था सर ग्राउंड में जब पिक करेंगे तो रेंज आई होगी, इसमें सर एंगल पे आई होगी। मैंने कब कहा था ग्राउंड पे होगी? मैंने कहा था ग्राउंड पे लो होगी। नहीं नहीं, ग्राउंड पे अगर इस तरह से बोल रहे ऐसा पिक करेंगे तो यहाँ पे थीटा तो जीरो ही हो गया। अगर आप हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो थीटा जीरो हो गया, और अगर थीटा जीरो हो गया तो उस केस के अंदर तो साइन जीरो साइन टू जीरो मतलब साइन जीरो और जीरो मतलब ये पूरा इस पूरे को खा जाएगा। तो प्रोजेक्ट रेंज जीरो आएगी, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल नहीं होगा ना, प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया वहां पर मोशन। ठीक है, अब 45 डिग्री देखो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल जैसे अपने यहाँ पे बना रहे हैं ना, इस तरह से भी होता है और दूसरे तरीके से भी होता है। जैसे यहाँ पे कैनन रखी हो उसमें से गोले फेंकते हैं ओपन है ना, दुश्मन सेना पे हमले कर रहे हैं तो कैनन को 45 डिग्री पे रखना चाहिए अगर बहुत दूर फेंकना चाह रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आपको पता है कि पास में है तो 45 से कम कर लेना चाहिए, कहीं ऊपर से निकल जाए उसके। एंग्री बर्ड्स खेलते हो ना, एंग्री बर्ड्स के अंदर ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही था, उसमें हैक खेलो उसको, ये चैप्टर जब चल रहा था उसके बाद इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दो। कहीं खेलते हुए गले पकड़े लो वो नहीं थे तो सर ने कहा था फिजिक्स करने के लिए जरूरी है, हमारे चैप्टर ही चल रहे होंगे तो उसमें हाई प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें आप एंगल सेट करते हो ना, आप ऑटोमेटिकली आईडी लगा लेते हो कि इस एंगल पे दूर तक जाएगा, रेड को भेजना है कि आपको ब्लैक को भेजना है, किसको भेजना है, येलो को, ब्लैक मस्त लगता है दबाकर करके सब उड़ा देता है। तो आर मैक्स आपके पास याद है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे 10th क्लास की कुछ यादें होती हैं, 11th क्लास की कुछ यादें होती हैं, कुछ कुछ चीजें मैंने यादें रह जाती है, आप याद रखना चाहो चाहे नहीं रखना चाहो, कि 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के नाम पे प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा फेमस है। जिसने साइंस आगे ली वो नहीं ली उसको याद रहते कि मैंने 11th में प्रोजेक्टाइल तो पढ़ाई था, और उसमें ये चीज कि मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पे आपको फेंकना पड़ता है। ठीक है, अब स्पेशल केस में दूसरा केस लड़ते हैं, सेकेंड केस, केस नंबर टू। मिनिमम वाला करवाएंगे आपको, मिनिमम करवाने की तो जरूरत नहीं है। नहीं देखो मैं आपको नेक्स्ट क्या केस करवा रहा हूं, पहले आप समझ लो कि अगर एक पर्सन थीटा एंगल पे फेंक रहा है और एक और पर्सन सेम वेलोसिटी से उसी ऑब्जेक्ट को 90 माइनस थीटा माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 मतलब एक 30 पे फेंक रहा है और एक 60 के अगर फेंक रहा हो तो दोनों के रेंज में क्या फर्क आएगा। ठीक है, तो दूसरा केस हम इसके लिए कर रहे हैं, लिखो रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज भी थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड करना पड़ेगा हमको लग रहा है, जल्दी से लिख लो आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स माने एक बारी थीटा वन को ओपन थीटा लिखेंगे और दूसरी बारी थीटा टू को ओपन 90 माइनस थीटा, तभी तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू विल बी इक्वल टू 90। अब अपन पहले आर वन निकाल लेते हैं है ना, आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से अगर आप आर वन निकालोगे तो आर वन क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन ऑफ 2θ1 एक साथ ही कर लो, और आर टू में आएगा यू स्क्वायर बाय जी मल्टीप्लाइड में साइन 2θ2। इसको सॉल्व करते हैं, थीटा वन तो थीटा ही है और थीटा टू 90 माइनस थीटा है तो यू स्क्वायर बाय जी ये बनेगा साइन 2θ। इसको तो आगे सॉल्व कर नहीं सकते तो ये हमारे पास बन के रह गया कुछ भी, ये काम की इक्वेशन नहीं है तो इसको नाम दो इक्वेशन ए। ये आपके पास बनेगा आर टू यू स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 290 माइनस थीटा। तो अब यहां पे आपका मन कह सकता है कि सर इसको कोस 2θ कर दो, पर मन को संभाल के रखो ऐसा नहीं होगा, ये 2 पड़ा है ना भाई,
ये टू पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद कुछ होगा, तो यहां पे गलती हो जाती है, तो गलती नहीं करनी। 2 into 90 180 माइनस ऑफ 2 थीटा 180। या फिर मैथ्स के अंदर आप ज्यादा यूजुअल या ज्यादा फ्रेंडली हो पाई के साथ, तो साइन पाई माइनस एक्स आ गया, और साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, और साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, नहीं साइन एक्स ही होता है। तो आपके पास आर टू इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वेयर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा। साइड में आप लेजर लिख सकते हो कि सिंस साइन फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। पढ़ा आएगा अपने यूनिट एंड सर्कल के अंदर उसके ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने क्या बोला, ये वाला, ये यूनिटरी सर्कल बोला मैंने इसको, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। ए एस टी सी पढ़ा होगा आपका स्कूल टू कॉलेज ऐसा कुछ, ये याद है इसी को बोलते हैं यूनिटरी सर्कल। ये जो ट्रिग्नोमेट्री बसी हुई है ना, ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री पता काम बसी हुई है एक छोटे से सर्कल के अंदर, जिस सर्कल का रेडियस 1 है। इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आता है, क्यों आता है, क्योंकि यूनिटरी सर्कल के अंदर है। अगर ये सर्कल 2 रेडियस वाला होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आता, ठीक है, 1 इसीलिए आता है, नहीं 2 नहीं आता सॉरी 4 आता उस केस में। अगर ये थीटा है, अब आपको यूनिटरी सर्कल की बात कर ली तो चलो हल्का सा बता देता हूं, क्योंकि ये तो हो गया हमारा। यहां पे अगर ये ट्रायंगल आप देखो, किसी भी पॉइंट की बात करोगे, उस पॉइंट के एक्स या वाई कोऑर्डिनेट आप इस थीटा के हिसाब से निकाल सकते हो ना। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब इस ट्रायंगल का बेस, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। और अगर ये थीटा है तो ये क्या बन सकता है, कोस थीटा। ये थीटा है और ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये बन जाता है एच कोस थीटा, और ये बन जाता है एच साइन थीटा। ये तो फिजिक्स में भी काम आती है चीज, याद रखना इस चीज को। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पता है, उसका हाइपोटेन्यूज सबको पता है एक्स, तो उसका बेस क्या होगा, एक्स कोस थीटा, और ये क्या होगा, एक्स साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कटता है परपेंडिकुलर कटता है, सिंपल सी बात है। और आपने ये सीखा हुआ है कि बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर कर दो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी सर्कल के अंदर सारी बातें घूमती हैं, जो आपके एंगल बारी 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 रिपीट होते हैं, तभी तो डायरेक्टली आपके पास टू थीटा हमेशा 90 से छोटा, कांट से 180 से पक्का छोटा होगा। थीटा जो है वो 90 से छोटा होगा, ठीक है, और टू थीटा कैन बी ग्रेटर देन 90। अगर सपोज थीटा मेरा 60 डिग्री है तो टू थीटा तो 120 हो गया, 180 से छोटा होगा, मतलब ये एंगल नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है, ये बाकी बात है। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि फ्रॉम ए एंड बी आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, या इतना लिख लो आर वन इक्वल टू आर। इसका मतलब अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जा रहा है तो रेंज चेंज होने वाली नहीं, ठीक है, तो देयरफॉर रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसा करके कुछ आप कह सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी चीज समझ में आ गया आपको, माने कि एक 40 पे फेंक रहा है और दूसरे को एंगल भी चेंज करना है पर दूर भी उतना ही फेंकना है ना, कि वो चेंज भी करना चाह रहा है पर चेंज नहीं भी करना चाह रहा, तो कितने एंगल पे फेंक दे, 50 डिग्री पे, है ना, 40 का कॉम्प्लीमेंट यानी 50, कोई 50 पे फेंक रहा है तो 40 पे, कितने से बनता। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब एक और चीज यहीं से आपको समझ में आ सकती है कि अगर जैसे ये आपको समझ में आ गया, इसका भी आप डायग्राम बना लो साइड में हल्का सा, कि एक ने तो क्या किया हॉरिजॉन्टल से, सपोज ये अगर थीटा है, अगर सपोज थीटा को आप 30 डिग्री मान के चलते हो, और तो 90 माइनस थीटा क्या बनेगा 60,
तो एक अगर 60 पे फेंकता है और एक अगर 30 पे फेंकता है, 90 माइनस थीटा सपोज 60, तो ये जितनी दूर गिरेगा ये भी उतनी ही दूर गिरेगा। हाइट में चेंज आ सकता है पर रेंज में चेंज नहीं आएगा। ये डायग्राम आप बना लो, एक थीटा पे फेंकता है और एक 90 माइनस थीटा पे फेंकता है, तो दोनों लैंड एक ही पॉइंट पे करेंगे जाके। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि किसी छोटी बिल्डिंग के ऊपर से टपाना आपको, किसी बड़ी के ऊपर से टपाना, तो उस हिसाब से एंगल बना, कोई दिक्कत। और यहां से जो मैं कह रहा था कि क्या समझ में आ सकता, वो ये चीज नहीं है, ये तो आई गई समझ में कि अभी मैंने क्या कहा था कि एक बॉडी है उसको इनिशियल वेलोसिटी u दी गई और एंगल बनाया गया थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कि आपको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बताया था। अगर आपको वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बताए तो क्या आपको चेंज आएगा? समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि आपने एक बॉडी को फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड से 30 डिग्री पे और सेम उसी बॉडी को फेंका वर्टिकल से 30 डिग्री पे, तो क्या कुछ फर्क आएगा? नहीं, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस 30। इसको 60 की बजाय 90 माइनस 30 को ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। और आपको समझ में आएगा कि सर जहां पे ये लैंड करेगा ना उसी पॉइंट पे आकर के ये लैंड करेगा। तो ये दो डायग्राम भी बना लेंगे, ये वाला डायग्राम बना लेना इसी के नीचे, और इसके साथ मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा वो आप लिख लेना। समझ गए कैसे लिखना है इस चीज को? नोट लिखवा रहा हूं मैं, वो वर्बली बोल दूंगा, आप डायग्राम बना लेना कि चाहे आपको हॉरिजन के साथ एंगल बता है, चाहे आपको वर्टिकल के साथ एंगल बता है, रेंज में कोई चेंज नहीं आने वाला। लिखे इस बात को, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम वेदर थीटा इज द एंगल, वेदर थीटा इज द एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ मैं नहीं लेने देना, हमें मैं बता दो कि किसके साथ है, वर्टिकल के साथ क्या बता दो तो कोई नहीं, और हॉरिजॉन्टल के साथ बता दो तो कोई नहीं। हाइट में फर्क पड़ सकता है ना, टाइम में फर्क पड़ सकता है, रेंज में फर्क पड़ सकता है, बाकी जगह तो फर्क पड़ेगा बट रेंज में चेंज नहीं आएगा। इसके बाद में चलो कल फिर ठीक है, आज सुनाई करते हैं यहां तक, तो कोई डाउट नहीं आपको। अभी हमारा क्या फाइंड करना रहेगा? हाइट, हाइट निकालनी भी रहेगी ठीक है, वो एक आधा का स्पेशल केस होगा तो कल डिस्कस करेंगे। जैसे ये खत्म हो जाता है तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इस चैप्टर को विराम देंगे।